गाइस वेलकम टू आवर चैनल केसी ऑफिशियल। तो गाइस कैसे आप सभी? बहुत अच्छे हैं। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी टेस्टी पास्ता। बट गाइस सॉरी बहुत लेट हो गया YouTube वीडियो डालने में, बट अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने घी लिया है 4 टेबल स्पून, उसके अंदर थोड़ा जीरा डाला था मैंने, थोड़ी वेजीज डाली जिसमें अनियन टोमेटो एंड कैप्सिकम, प्याज टमाटर मिर्ची, ठीक है। अब रई और जीरा मैंने ऊपर से डाला और इसको हम सौते कर लेंगे अच्छे से। रेडी? और फिर हमें ना उसको एक बोल में अलग से निकालेंगे। फिर हमने वापस पैन को साफ किया और उसमें डाले हमने वापस 4 टेबल स्पून घी। अब उसके अंदर हम डालेंगे मैदा, मतलब जितना घी डालो उसकी आधी हमें मैदा डालना है। अगर आपको ऐसी मेयोनीज बनानी है तो वो देख लो वीडियो को। तो हमने 6 टेबल स्पून इसमें घी डाला है एंड 4 टेबल स्पून मैदा, आप देख लो। और मैदा डालते डालते इसको मिक्स भी करते रहना, ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपसे कैसा बना। तो अब देखो मिक्स करने के बाद ही थोड़ा ऐसा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे दूध, ठीक है? दूध डालते हैं इसमें। जब मैंने दूध डाला था ना तो ऊपर से थोड़ा डुल भी गया था खुशी से, तो मैंने फिर खुशी ना वाला चला रिमूव थोड़ा थोड़ा हटाया था मैंने, क्लिप ऐड किया था। तो अब हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें वेजीज डालूंगी जो हमने सौते की थी घी में। ये बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं हुआ, बट हाँ धीरे धीरे करके हो जाएगा। आप पैनिक मत होना, इसमें पैनिक क्यों हो? तब इसे वेजीज डालेंगे जो हमने देखा अब हल्का हल्का थिक होने लगा है ना ये। और अब इसमें हमने डाली काली मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, डाल दो। ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स। मैं वीडियो कोई नहीं मैंने ना वीडियो शूट करना भूल गई थी, फिर वापस डाली खुशी ने। अब मैंने इसमें नमक डाला है, सॉल्ट एज योर टेस्ट है कि आप कितना आपके अच्छा लगता है नमक उतना डालो। बहुत ठीक हो गया ये, अब ठीक हो गया ना, इसे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और बिल्कुल टाइम। थोड़ा पानी भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे यिप्पी टेस्ट मेकर, यिप्पी मसाला, नॉट मैगी मसाला, यिप्पी मसाला। आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो। आपको कौन सा मसाला पसंद है कमेंट करके बताना। दो पैकेट डाला क्योंकि हम दो जने हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, चार चार पाँच पाँच जने होंगे ना तो भी चल जाएगा काम। हाँ तो आप उसको मिक्स कर लो, फिर हम डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लो जो फेवरेट होते हैं। सॉसेस भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो। हम तो डालेंगे, देखो फिर हम पहले के डालते हैं सोया सॉस। सोया सॉस, अब इसके बाद हम डालेंगे शेजवान सॉस और फिर हम डालने वाले इसमें टमाटो सॉस जो सबका फेवरेट होता है, बट इट्स ऑप्शनल, सारे सॉसेस ऑप्शनल है। और इसको ना हम मिक्स करने के बाद इसमें एकदम इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, इसमें रेड हो जाएगा पूरा कलर, डार्क रेड हो जाएगा। डार्क सॉसेस के बिना भी टेस्ट अच्छा आएगा, बट सॉसेस से थोड़ी एक्स्ट्रा एडिंग हो जाएगी। फिर हम इसे पास्ता डालेंगे और ये रेडी हो गया है। तो मैंने पास्ता डाल के मिला भी लिया है, इसको हम है ना और सर्व करता है। इट्स रेडी। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ढक्कन से डाल रही हूं, ब्लैक पेपर से। इट्स रेडी, लाइक कर देना।